शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान को धंसने से बचाने के लिए नगर निगम की योजना पर वन विभाग ने पानी फेर दिया है। वन विभाग ने इस जमीन पर अपना हक जताकर नगर निगम को फॉरेस्ट क्लियरेंस सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। वहीं अब नगर निगम ने रिज के हिस्से पर लीपापोती शुरू कर दी है और बरसात में जमीन न धंसे इसके लिए डंगा लगाने का काम शुरू कर दिया है। डंगा लगाने के बाद यहां पर रेलिंग लगाई जाएगी ताकि रिज की सुंदरता बरकरार रहे। पिछले 2 सप्ताह से हो रही बारिश से इसके धंसने की आशंका बढ़ गई थी। कई जगह से पत्थर भी निकल रहे थे, जिसको देखते हुए नगर निगम ने फिलहाल यहाँ पर अस्थायी डंगा लगाने का काम शुरू किया है। वहीं अब नगर निगम इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाने की तैयारी में है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से रिज का एक हिस्सा धस रहा था और इसे बचाने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत 25 करोड़ की योजना भी तैयार की गई थी और इसके लिए लोक निर्माण विभाग को कार्य सौंपा गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया था, लेकिन वन विभाग ने इस काम में अड़चन डाल दी और इस भूमि को अपना बताकर काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, हर साथ हैं 10,000 है। हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं। आज से 2 साल पहले हमने यहाँ से यूनिटी टेस्ट करने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में भेजी थी और हम बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आए ताकि हम यहाँ का काम शुरू कर सके। और वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट भी आई और अच्छी रिपोर्ट थी, और उसके बावजूद हमने जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 25 करोड़ रुपया यहाँ रिज बनाने तक सेंक्शन करवाया और इसका टेंडर भी लगा और PWD वालों ने भी इसका टेंडर लगाया। और जैसे ही वन विभाग को ये पता लगा कि यहाँ पे काम शुरू होना है और वन विभाग तुरंत मौके पे आया, कहते यह हमारी लैंड है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। जब हमने रेवेन्यू के तहत इसका पता किया तो इसमें जो है फॉरेस्ट का कुछ नहीं है, और जहाँ भी देखो फॉरेस्ट जो है हमें कोई कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जबकि हाँ, हम मानते हैं कि जहाँ अगर पेड़ है, पेड़ की जगह वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारी लैंड है और सरकार की लैंड है, इस तरह के उनको ऑब्जेक्शन नहीं करने चाहिए। इसके बारे में मैंने माननीय जो हमारे मंत्री जी है वन विभाग के पठानिया जी, उनको भी कई बार इस बारे में हमने आग्रह किया है कि रिज जो है धस जा रहा है और फॉरेस्ट वाले हमें नहीं मिलाने दे रहे हैं। तो हमें जो है यहाँ खुद ही नगर निगम ने एक प्रपोजल लाई कि हम जो जहाँ पे टीन लगे हुए हैं, इस टीन को उखाड़ करके हम यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल लगाएंगे। तो ये काम हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आपने देखा होगा हमने मटेरियल यहाँ डाल दिया है, जैसे बरसात खत्म हो जाती है तो ये काम तो हम तुरंत कर लेंगे। बता दें शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का एक हिस्सा 2008 से धस रहा है और 2011 में यहां पर भूस्खलन भी हुआ था, जिससे तिब्बती मार्केट में दुकानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वहीं नगर निगम भी हर साल औपचारिकता के नाम पर पैचवर्क ही करता आ रहा है। इसके लिए अब नगर निगम ने प्लान तो तैयार किया, लेकिन वन विभाग ने कार्य शुरू करने से पहले ही इसमें अड़ंगा डाल दिया है, जिसके बाद अब नगर निगम को काम शुरू करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ETV भारत के लिए शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट।